नमस्कार, मैं वानी अनंत एक बार फिर से अपडेट्स के साथ मौजूद हूं। आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। दिल्ली में कोरोना को लेकर आला अधिकारियों की बैठक आज। हो सकता है येलो अलर्ट जारी। येलो अलर्ट जारी होने पर शिक्षक संस्थानों के साथ सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स थिएटर, सम्मेलन कक्ष, बैंक्वेट हॉल, स्पा एंड वेलनेस क्लिनिक, योगा संस्थान में जिम बंद कर दिए जाएंगे। मेट्रो समेत सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं 50% की क्षमता पर चलेंगी। जी वाणी, जैसा कि हम आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू में इन लोगों को छूट मिलेगी, जिनमें मरीजों और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं, आवश्यक वस्तुओं को खरीदने वाले लोगों और रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉप और हवाई अड्डों से आने जाने वालों को भी छूट दी जाएगी। साथ ही साथ कर्फ्यू से छूट पाने वालों में आपातकालीन सेवाओं में शामिल सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी, चिकित्सा कर्मी और मीडिया कर्मी भी शामिल है। तो अभी हमें अश्मिता मेरे सहयोगी और अच्छे से बताएंगी कि किन किन चीजों पर छूट इस नाइट कर्फ्यू पर रहेगी। दरअसल वाली, कोविड टीकाकरण के लिए जाने वाले लोगों को एक वैध पहचान पत्र और टीकाकरण केंद्र पर लिए गए समय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर छूट दी जाएगी। भर्ती परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों और उम्मीदवारों को भी वैध पहचान पत्र और प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने पर अनुमति दी गई है। साथ ही साथ इस दौरान बाहर निकले लोगों को एक वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, इसके बाद ही निकलने की उनको छूट दी जाएगी। साथ ही साथ नाकाम रहने पर DDM एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया जाएगा। जीवाणी, कोरोना की तेजी से बढ़ते मामलों के बीच सोमवार लगातार दूसरे दिन संक्रमण दर 50% से ऊपर रही। इससे दिल्ली येलो अलर्ट की सीमा में दाखिल हो गई है। मंगलवार यानी कि आज इसे लागू करने के बारे में आला अधिकारियों की बैठक रहेगी। आइए थोड़ा और पाबंदियों के बारे में आपको सूचित कराते हैं। येलो अलर्ट जारी होने पर शैक्षणिक संस्थानों के साथ सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स थिएटर, सम्मेलन कक्ष, बैंक्वेट हॉल, स्पा एंड वेलनेस क्लिनिक, योगा संस्थान व जिम बंद कर दिए जाएंगे। मेट्रो समेत सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं 50% की क्षमता पर चलेगी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच दुकानें व शॉपिंग मॉल्स सम विषम यानी कि ऑड इवन फॉर्मूले पर ही चलेंगे। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 50% की क्षमता पर रेस्टोरेंट और दोपहर 12 बजे से रात 10 तक 50% की क्षमता पर बार खोले जाएंगे। इसमें लिए गए फैसले के आधार पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA येलो अलर्ट पर आदेश भी जारी कर सकता है। इसके बाद दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं 50% के साथ चलेंगी। वहीं दिन में बाजार भी सम विषम यानी कि ऑड इवन के फॉर्मूले पर खुलेंगे। दूसरी तरफ शिक्षक संस्थाने समेत दूसरी कई गतिविधियां बंद हो जाएंगी। जरूरी नागरिक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच दिल्ली की सड़कों पर निकलने की सभी की पाबंदी होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में संक्रमण दर लगातार दूसरे दिन 50% से ऊपर रही है। इसी के साथ मैं वानी अनंत आपसे विदा लेती हूँ। तमाम खबरों के लिए देखते रहे हुंकार 24/7। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।